हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट जॉब। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ न्यू गवर्नमेंट जॉब 2021 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आपके लिए न्यू गवर्नमेंट जॉब लेकर आ चुका हूँ, जिसमें फ्रेंड्स अगर आपकी 10th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 300+ वैकेंसीज आपको इसमें देखने को मिलेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है फ्रेंड्स, अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की सर्च कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज दी गई हैं, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। इसकी यहाँ पर जो डिटेल पीडीएफ है वो कहाँ से आपको मिलेगी वो भी आपको बताऊंगा। तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर जॉब के रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आती है तो उसकी अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो आप में ज्यादा देर ना करते हुए सीधा आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जॉब्स यहाँ पर जो है जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से निकाली गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी यहाँ पर जो है ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जुलाई से आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और 16 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इससे पहले पहले आपने इसके लिए अप्लाई करना है। इसमें यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो क्या है, यानी कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो आप यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं, अगर फ्रेंड यहाँ पर आप इंडियन सिटीजन है यानी कि इंडिया में रहते हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं नेविक जनरल ड्यूटी के लिए आपके यहाँ पर 12th जो है वो पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपकी जो 10th है वो पास मांगी गई है, अगर आपकी 10th पास है तो आप यहाँ पर नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो 3rd पोस्ट दी गई है वो है यांत्रिक की, इसके लिए भी फ्रेंड्स आपकी जो 10th है वो पास होनी चाहिए, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी हम डिटेल इसके बारे में देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो है वैकेंसीज की डिटेल भी आप देख लें फ्रेंड्स, यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो बताई गई हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा टोटल वैकेंसीज कितनी दी गई हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर चले जाना है, और वहां पर जाने के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है अपलोड करने हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी डिटेल में यहाँ पर फ्रेंड्स बताया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये डिटेल पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसकी पीडीएफ सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूं। तो ये कुछ अपडेट आ रही थी यहाँ पर जॉब के रिलेटेड, जो कि आपको बतानी बहुत ही जरूरी थी। तो जितना उसके वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि फ्रेंड्स उनको भी ये अपडेट मिल सके, और अगर वो भी एलिजिबल हैं तो वो भी अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।